नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कन्हैया बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, मैंने एंजाइटी के ऊपर एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एंजाइटी को कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे मिटा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके वीडियोस हैं। मैंने पहला वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हम जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, पैनिक है, उससे हम बाहर आने की पूरी कोशिश करते हैं। जब अचानक हमें घबराहट होती है उस सिचुएशन से भी हम बाहर आने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा रास्ता कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अपने आप को लोगों से अलग कर लेते हैं या फिर खुद को नुकसान कर लेते हैं या फिर हमारी नींद जैसे डिस्टर्ब हो जाती है, हम नशा करना शुरू कर देते हैं या फिर कुछ और सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाना, इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि हम शुरू तो इसलिए करते हैं ताकि हम हमारी उस पेन से फ्री हो पाएं। जो हमें एंजाइटी के टाइम जो पेन फील होता है उस पेन से हम फ्री हो पाएं, लेकिन जो हम ये रास्ते यूज़ करते हैं, सही रास्ता ना यूज़ कर पाने की वजह से ये जो रास्ते हैं ये इट्सेल्फ फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो हम कौन सा रास्ता यूज करें, वो जो रास्ता है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, स्टॉप एंड रेस्ट टेक्निक। तो ये स्टॉप एंड रेस्ट टेक्निक क्या होती है, इसी को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेकंड पार्ट है, अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं, इससे पहले पार्ट आपने नहीं देखा तो पहले वाला पार्ट देखिएगा ताकि आपको सेकेंड वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, हमारी जो अटेंशन है, समझना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अटेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के ऊपर ध्यान देना। हमारी जो अटेंशन है वो दो तरह की होती है, एक तो जो हमारी अटेंशन है वो होती है एक्टिव और दूसरी जो अटेंशन होती है वो होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या है कि जब हम अपनी तरफ से किसी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, मैं पूरा का पूरा इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर फोकस्ड हूं, आप लोगों से लगातार इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो ये मेरी एक्टिव अटेंशन का पार्ट है। जीवन में कुछ भी सीखने के लिए और सीखी हुई चीज को यूटिलाइज करने के लिए, लाइफ में आप कुछ भी सीखते हो, जितना भी आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, जो कुछ आप सीखते हो और सीखी हुई चीज को यूज करने के लिए, ऑन स्पॉट यूज करने के लिए हमें एक्टिव अटेंशन की जरूरत पड़ती है, हमें एक्टिव अटेंशन की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ है पैसिव अटेंशन। पैसिव अटेंशन का मतलब क्या है कि जैसे मैं ध्यान तो यहां पर दे रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान कुछ और चीजों की तरफ चला गया, जैसे गली के अंदर क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, ट्विटर पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है, ये है मेरी पैसिव अटेंशन। मतलब जो मेरा टारगेट है, जहां मैं ध्यान देना चाहता हूं वहां ध्यान नहीं जा रहा, कुछ और चीजों पर ध्यान चला जाता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं बात कर रही होती हूं, बात तो मैं किसी पर्सन से कर रहा था लेकिन मेरा ध्यान कहीं और होता है, मैं किसी काम को कर रहा होता हूं लेकिन मेरा ध्यान कहीं और होता है, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ हर वक्त चलता रहता है। तो ये जो बैकग्राउंड वाला थॉट है ये क्या है, पैसिव अटेंशन। पैसिव का मतलब जहां आप ध्यान देना चाह रहे हो वहां पे आपका ध्यान नहीं है, कुछ और चीजों के ऊपर आपका ध्यान है। दोस्तों, जब भी हम रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं, उस समय हमारी एक्टिव जो अटेंशन है वो बहुत जबरदस्त होती है। मतलब हमने हमारे जीवन में जितना भी लॉजिकल पार्ट सीखा है ना, जितना भी लॉजिकल कंटेंट सीखा है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना है, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल में करना है, किस तरह से काम को करना है, स्ट्रेस को कैसे डील करना है, जितनी भी हमने जीवन में सीखा हुआ है वो सारा का सारा काम आता है जब भी आप रिलैक्स्ड होते हो। लेकिन जब भी आप एंजाइटी में जाते हो, एंजाइटी में हमारी पैसिव अटेंशन स्टार्ट हो जाती है, और पैसिव अटेंशन के अंदर ना तो इंसान सीख पाता है, ना सीखी हुई चीज को यूटिलाइज कर पाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव अटेंशन। मतलब मैंने अपने आप को सीख रखा है, मुझे पता है कि मुझे किस तरह से व्यवहार करना है, मुझे किस तरह से बोलना है, मुझे किस तरह से ह्यूमर को यूज करना है, कैसे मजाक करनी है, कैसे हंसी करना है, ये सब चीजें मुझे पता है। लेकिन सर मैं जब भी एंजाइटी जब मुझे होती है, जब भी पैनिक होता है, जब भी बहुत ज्यादा OCD का अटैक आता है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन कंपल्सिव बिहेवियर हो रहा होता है, उस समय सर मेरा कोई खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ये कंट्रोल बेसिकली क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी जो पैसिव अटेंशन है वो फ्रंट में आ जाती है, और जैसे ही पैसिव अटेंशन फ्रंट में आती है तो आपका जितना भी पार्ट सीखा हुआ है वो सीखा हुआ पार्ट आपके काम नहीं आता। जो कुछ भी आपने लर्न किया है, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने समझा है वो काम नहीं आता। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, एक बहुत ही स्टेबल पर्सनैलिटी होती है, मतलब जो हर चीज को बहुत ही लॉजिकली डील करती है, वो पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाती है जब हम एंजाइटी में होते हैं। जिन चीजों से हम नहीं डर रहे होते वो चीजें भी हमें डराने लग जाती है, उनके लॉजिक्स लोग हमें चाहे कितना ही समझा दे फिर भी वो लॉजिक्स हमारे दिमाग के अंदर सेट नहीं बैठते,
वो चीजें हमें समझ में नहीं आती, अंदर से अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घबराहट हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है। तो ये सारा का सारा मामला किसकी वजह से होता है? पैसिव अटेंशन की वजह से होता है। और इस पैसिव अटेंशन की वजह से ही हमारा सेल्फ कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है, हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो खो जाता है। तो दोस्तों जो एक्टिव वाला पार्ट है ये हमें चाहिए, एक्टिव अटेंशन जब हमारा सीखा हुआ हमारे काम आ रहा हो और पैसिव अटेंशन जब हमारे सीखा हुआ हमारे काम नहीं आ रहा। तो यहां से आपको एक क्लू मिल गया होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम एकदम रिलैक्स्ड हो जाएं, हम एकदम शांत हो जाएं, हम एकदम नॉर्मल हो जाएं, तो हमें हमारी पैसिव अटेंशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्टिव अटेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंजाइटी ठीक हो, आपको जो अचानक जो घबराहट हो रही है वो कम हो, और आपका सेल्फ कंट्रोल, आपके इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल डेवलप होए, आपके थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल डेवलप होए, आपके एंगर के ऊपर आपका कंट्रोल डेवलप होए, आपके ऑब्सेशंस, आपके कंपल्शंस, उन सब के ऊपर आपका कंट्रोल डेवलप हो, तो आपकी इस पैसिव अटेंशन को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? एक्टिव अटेंशन में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। आपकी इस पैसिव को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? एक्टिव अटेंशन के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा। अच्छा, इस पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने आपको एक टेक्निक बताया था वो कौन सा है? स्टॉप एंड रेस्ट टेक्निक। स्टॉप एंड रेस्ट बहुत ही खूबसूरत सा नाम है, स्टॉप एंड रेस्ट टेक्निक। ये टेक्निक क्या करती है? इस पैसिव अटेंशन को किस में कन्वर्ट कर देती है? एक्टिव में कन्वर्ट कर देती है। और जैसे ही आपकी पैसिव अटेंशन एक्टिव में कन्वर्ट होती है, जो आपके सीखा हुआ होता है, जो आपने समझा हुआ होता है अब तक अपने जीवन का, जो आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होती है वो फोर फ्रंट पे आ जाती है, और आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में हर एक चीज को डील करना शुरू कर देते हो। और जैसे ही आप पैसिव में कन्वर्ट होते हो, डरने लग जाते हो, हर छोटी छोटी चीज आपको डराने लग जाती है, छोटी सी जो थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है वो इतनी बड़ी हो जाती है, इतना डर पैदा हो जाता है, बस हम रह ही नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा घबराहट सी होने लग जाती है। मतलब यहां तो शेर बन जाते हो और इधर चूहा बन जाते हो, यहां तो शेर बन जाते हो और इधर क्या बन जाते हो? चूहा बन जाते हो। तो चूहे से वापस शेर कैसे बना जाए? चूहे से वापस शेर कैसे बना जाए, उसी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहां पर? स्टॉप एंड रेस्ट टेक्निक यूज कर रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब है इसका स्टॉप एंड रेस्ट का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो स्टॉप एंड रेस्ट टेक्निक है इसका मतलब क्या है? स्टॉप एंड रेस्ट, देखिए जो स्टॉप है, स्टॉप से तो आप सिंपल सा सीधा सा समझ गए होंगे, स्टॉप का मतलब रुक जाना, स्टॉप का मतलब रुक जाइए, मतलब जो भी आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है स्टॉप करिए अपने आप को, जिस भी सिचुएशंस में उसमें अपने आप को स्टॉप करना, ये तो है इसका मतलब स्टॉप। यहां पे जो एंड है, इस एंड से मैंने डी को उठाया है, डी का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, आप जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना। हालांकि जो डिस्ट्रैक्शन है वो लॉन्ग टर्म एक अच्छा प्लान नहीं है, जो डिस्ट्रैक्शन है वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्लान नहीं है, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्लान है कि उस समय के लिए आपके इमोशंस कम हो जाते हैं, तो आप अपना एक डिस्ट्रैक्शन प्लान तैयार करते हो ताकि आपका जो ओवरवेलमिंग इमोशंस है, जो अराउजल है, वो थोड़ी देर के लिए आपका क्या हो? कम हो। तो डी का मतलब है डिस्ट्रैक्शन। और जो आर का मतलब है, आर का मतलब है वो क्या है? रिलैक्स होना, रिलैक्सेशन। आर का मतलब है रिलैक्सेशन, मतलब अपने आप को रिलैक्स करना। और जो ई है, नेक्स्ट इज अ ई, ई का मतलब है इवेल्युएशन, मतलब अपने आप को इवेल्युएट करना, खुद को इवेल्युएट करना, मुझे क्या फील हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या थॉट चल रहा है, और इससे पहले जो है वो क्या सिचुएशंस थी जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस स्टिमुलेट हुआ। इवेल्युएशन के बाद में आता है एस, एस का मतलब होता है सेट ए गोल। गोल सेट करने का मतलब क्या है कि जो इमोशनल अराउजल हुआ था, जो मुझे घबराहट हुई थी, जो मेरे बेचैनी हुई थी, जो मेरे इमोशंस मेरे ऊपर हावी हुए थे, तो उससे पहले मैं क्या काम कर रहा था, तो उसका गोल सेट करना, उस काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, उस चीज का प्लान क्रिएट करना। और टी का मतलब होता है टेक ए एक्शन, टेक ए एक्शन मतलब जो आपने प्लान सेट किया है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना। तो ये है स्टॉप एंड रेस्ट टेक्निक का मतलब। अब इसको टेक्निक को यूज कैसे करना है, इसके ऊपर मैं और सारे वीडियोस आपके पास में आएंगे, इनके ऊपर
बहुत सारे वीडियोस हैं कि हम स्टॉप करने की कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करें, डिस्ट्रैक्ट करने की कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करें, हम रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन प्लान कैसे क्रिएट करें, हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन प्लान कैसे क्रिएट करें, इसकी वर्कशीट कैसे तैयार करें, गोल सेट करना, ये हम हमारे जो करंट लाइफ है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से गोल सेट कर सकते हैं, गोल सेट करने का वर्कशीट हम कैसे क्रिएट करें, और जो एक्शन प्लान है वो हमारा किस तरह का हो, इनके ऊपर मैं पूरे आपको डिटेल्ड वीडियोस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों ये जो शुरुआत के जो तीन स्टेप्स हैं, स्टॉप, डिस्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये जो तीनों स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स जो होते हैं ये आपकी जो पैसिव अटेंशन है उस पैसिव अटेंशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये जो तीनों स्टेप्स है, ये तीनों स्टेप्स क्या करते हैं, आपकी पैसिव अटेंशन को कम करते हैं, और आपकी पैसिव अटेंशन को, ये नीचे वाले जो तीन स्टेप्स हैं ये एक्टिव अटेंशन वाले हैं, ये जो नीचे वाले तीन स्टेप्स है ये एक्टिव अटेंशन वाले हैं, मतलब आपकी जो पैसिव अटेंशन है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपके एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो रही है। आपकी जो पैसिव अटेंशन है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, एक्टिव में कन्वर्ट हो रही है। ये जो शुरू के जो तीन स्टेप्स है ये तो है पैसिव अटेंशन के लिए, और जो लास्ट के जो तीन स्टेप्स है ये स्टेप्स है आपकी एक्टिव अटेंशन के लिए, मतलब आपकी रिलैक्स्ड स्टेट के लिए, वो स्टेट जहां पर आपका अपने इमोशंस के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने एनालिसिस के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, मतलब आप वही इमोशंस फील करते हो जो आप फील करना चाहते हो, आप वही एक्शंस लेते हो जो आप एक्शंस लेना चाहते हो, आपका गुस्सा एकदम कम होता है, आपकी हैप्पीनेस लेवल बहुत जबरदस्त होता है, और आप टोटली किस में होते हो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, जैसी सिचुएशन से उसमें होते हो। तो दोस्तों ये है स्टॉप एंड रेस्ट का पूरा मतलब। जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम इस पे बात करेंगे कि हम जो स्टॉप वाला पार्ट है हम कैसे यूज करें, हमारा स्टॉप का प्लान किस तरह से क्रिएट हो, स्टॉप की वर्कशीट है वो किस तरह से क्रिएट हो, और उसके लिए हमें किस तरह के अफर्मेशन की जरूरत पड़ती है, उसका प्लान किस तरह से तैयार हो, इन सब चीजों के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर मिलेगा, बाकी की चीजें हैं वो अगले पार्ट के अंदर मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआर केटीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।